हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। गोडविल इंटर कॉलेज के टल बागपत से मैं सुरेंद्र सिंह, केमिस्ट्री लेक्चर आपका एक बार फिर से यूट्यूब लर्नर चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये क्लास 10th का टॉपिक है, जो हमारे रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, उसका पहला टॉपिक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सारा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के जो दो भाग होते हैं, उनमें से एक भाग को कहते हैं अभिकारक, यानी कि ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है या लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसके बाद आते हैं उत्पाद, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर दो पदार्थ या तीन पदार्थ या 10 पदार्थ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो पहले वाले जितने भी अभिकारक होते हैं, जितने आपस में मिलकर जो अभिक्रिया कर रहे हैं, उनको अभिकारक बोलेंगे। जो हमें प्राप्त हो रहा है उसको उत्पाद बोलेंगे। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन है, जैसे हम यदि हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करें, ठीक है, तो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है, प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने जिंक लिया प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे अभिकारक हैं और बना क्या है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये क्या है? हमारे उत्पाद है। ठीक है, इसको हम कोई भी रासायनिक समीकरण हो, हम उसको तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। तीर का निशान क्या काम करता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिख ले तो रासायनिक समीकरण हो जाती है हमारे वो। ठीक है, जैसे रासायनिक समीकरण नीचे लिखी हुई है, Zn plus H2SO4 is equal to, यानी के ZnSO4 plus H2। ठीक है, इस तरीके। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे हमारा भोजन है, भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे भोजन पेट में जाता है, हमारे जो पेट में जो HCl होता है वो उसके साथ में क्रिया करके तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो ये भी हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है हमारा श्वसन। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या होता है? हमारा जो सांस के द्वारा जो हवा जाती है फेफड़ों में, वो फेफड़ों में जाने के बाद में फेफड़ों में जो हमारे ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या काम करता है? रख लेता है और बाकी हवा को बाहर भेज देता है, तो ये भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का जलना, दही में लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले अवस्था परिवर्तन। कोई पदार्थ था सॉलिड अवस्था में था तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड और गैस में बदल सकता है, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव में या गैस में, यानी कि कोई सी उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन हो सकता है एक रासायनिक अभिक्रिया के होने के बावजूद। यानी कि ये परिवर्तन होते हैं। चार परिवर्तन कौन कौन से? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। ये हमने टेबल ले ली। अब देखो यहाँ पे Fe कितना? 1 है, इधर कितने? 3 है। इनको बराबर करने के लिए आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, इस तरीके से हम धीरे 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 इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। बैलेंस होते ही हमारा क्या होता है? देखो Fe plus 4H2O। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो हमने चार ऑप्शन को पूरा करने के लिए ऑप्शन वाले भाग में 4 से गुणा करी, ठीक है, Fe3O4। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये 4H2O, तो ये हो गया हमारा Fe3O4 plus H2। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद चार ऑप्शन होते हैं, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन हो गए। अब 8 हाइड्रोजन पूरा करने के लिए H2 के साइड में जहाँ पे H2 लिखा हुआ है उसके साइड में 4 से गुणा कर दी हमने, ठीक है। अब ये तो कोई दिक्कत नहीं, अब जो है 4 से गुणा करी हमने H2 में, तो यहाँ पे Fe कितने? 3 है, तो इधर भी Fe कितने कर दिए हमने? 3 से Fe कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगी वो क्या होगी? 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2O। इसमें तुम ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में Fe कितने हैं? 3 है, और राइट साइड में Fe कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, उधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, देखो H2, तो इसकी जो H के नीचे 2 लिखा हुआ ना, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 में, तो 4 2 2 = 8। इस तरीके से वहां पे 4 2 = 8, लेफ्ट एंड राइट साइड में बराबर है।
और ऑप्शन कितने हैं, लेफ्ट साइड में यानी कि अभिकारक के साइड में चार हैं, उत्पाद के साइड में कितने हो गए, वो भी चार हैं, ओके, नीचे जो चार लिखा हुआ है, ठीक है। अब उनकी भौतिक अवस्था लिखना लिखना होता है हमें, ठोस को एस से लिखेंगे, द्रव को एल से, गैस अवस्था को जी से, और जलीय विलयन जो जल में घुले हुए आयन होते हैं उनको ए क्यू से लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, थ्री एफ ई सोलिड प्लस फोर एच टू ओ गैस इज इक्वल टू एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू, तो यहाँ पे एफ ई थ्री ओ फोर है ये, प्लस फोर एच टू कर लेंगे, ठीक है। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः कई टाइप की होती है, लेकिन हम यहाँ पे मेन मेन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में उनका हम उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, जब दो उत्पादों को जोड़ के तीसरा उत्पाद हम बनाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया होगी, जैसे एक और बी को जोड़ के हमने क्या बना लिया, सी। इसका जो उदाहरण है, जैसे कोयला को हम ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कोयला होता है, कोयला तुमने पता ही होगा, जल, जैसे हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ में अभिकृत करते हैं तो जल बनता है, ये भी अभिक्रिया हमारा जुड़ रहा है। देखो यहाँ पे कार्बन किसके साथ में जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, जल किसके साथ बनाया, जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुना, जिसको हम कहते हैं, इसको हम जल में जो भिगोते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जब ये CaOH का ऑल्टो, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। अगली बार पेपर में फॉर्म यह आएगा, सूत्र आया था कि बुझे हुए चूने का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा का सारा अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बिना बुझा होता है। इसके बाद है वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना देता है, जैसे ए था टूट करके बी और सी बना लिए। वियोजन कई प्रकार से होता है, सबसे पहला है हमारा ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि हम हीट देंगे उसके द्वारा कोई पदार्थ टूट जाएगा, जैसे फेरस सल्फेट होता है हमारा FeSO4 को हम गर्म करते हैं तो हमारा Fe2O3 बन जाता है, SO2 बन जाता है और SO3 बन जाता है। तो Fe2O3 का जो अवक्षेप होता है कैसा होता है, भूरा होता है, भूरा लाल रंग का होता है, तो इस प्रकार से वियोजित हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं, जैसे संगमरमर का पत्थर होता है हमारा, उसका भी ये फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूना और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो वियोजन का उदाहरण। इसके बाद है वैद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत धारा द्वारा हम वियोजन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन, जैसे हम जल है, जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम, तो मेरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हम क्या करते हैं, एक धनायन इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक ऋणायन लेते हैं और किसी बीकर में छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसमें जब हम बैटरी से जोड़ते हैं 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसमें से हमारी एक तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक तरफ से हमारी क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। जो हमारा कैथोड भाग होता है, कैथोड भाग से हमारी हाइड्रोजन निकलती है, और जो हमारा एनोड भाग होता है, एनोड से हमारी कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि एनोड जो होता है हमारा धनात्मक होता है, कैथोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक में से हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन ले लगा ये, और धनात्मक में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, ठीक है। इसके बाद प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कह देंगे, सूर्य के प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा होने वाला, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl को क्या बोलते हैं, सिल्वर, Ag का मतलब सिल्वर, चांदी, Cl का मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो AgCl को क्या कहेंगे हम, सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग, क्लोरीन गैस निकल जाएगी बाहर, हमारे पास चांदी बच जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगी। इस अभिक्रिया का जो उपयोग होता है, जो हमारे पहले फोटो बनते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनते थे, उसको बनाने में होता था, अब तो प्रिंटर आ गए हैं, अब तो फटाक से प्रिंटर निकल जाता है, पहले जो श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनते थे उनके लिए इनका उपयोग होता था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है, जैसे बस कोई मॉलिक्यूल अपना स्थान चेंज कर लेता है, अधिक क्रियाशील जो होता है कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, जैसे ये समीकरण है Fe+CuSO4, तो यहाँ पे हुआ क्या, जो कॉपर था वो कम क्रियाशील है, एफ ई जो है वो ज्यादा क्रियाशील है, तो एफ ई ने कॉपर को हटा दिया, अलग कर दिया और अपने आप वहां पे आ गया, तो ये समीकरण हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, स्थानांतरण या विस्थापन अभिक्रिया हमारे हो गई। इसको करने के लिए हम सिंपल कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक लोहे की कील डाल देंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, फेर सल्फेट का विलयन हमारा बन जाएगा, स्टैंड वे इस तरीके से कस के हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण का कारण हो गया, पहले वो कैसा था हमारा, हल्के भूरे रंग का, हल्के लाल रंग का था, लेकिन
जब हमने उसको लोहे की कील डाल दी तो कैसे रंग का हो गया, हरा। जैसे ही हम इसको जिंक को भी ले सकते हैं उसकी आयरन की जगह, जिंक प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यानी कि ये किस कारण से हुई अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है और फेरिक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है। पेपर में एक नंबर में बहुकलीय क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन अधिक क्रियाशील है, जिंक कॉपर, ठीक है, तो तुम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें देखो जिंक वाले में और आयरन वाले में एक मॉलिक्यूल का विस्थापन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एक से क्या साथ विस्थापित होता है। जैसे हमारे समीकरण है Na2SO2 प्लस BaCl2, Na2SO2 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट और BaCl2 को बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, और हमारा जो उत्पाद बनता है बेरियम सल्फेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम ने तो बेरियम की जगह ले ली और बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, तो ये हुआ, ठीक है। बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेप होता है वो सफेद होता है, एविली अवक्षेप होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी सारी अभिक्रिया ऐसे हो जाए, जैसे दूध फट जाता है ना हमारा, इस तरीके से जो बेरियम सल्फेट के बनने के कारण ये अवक्षेपित होता रहता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद अभिक्रिया के बाद हमारा है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन इंपोर्टेंट रिएक्शन है। उपचयन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, नोट कर लेना इसको, कहीं भी अगर वीडियो में कोई दिक्कत होती है ना, कुछ लिखना हो आपको तो वीडियो पॉज करो और लिख सकते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर से चालू करो, जहां समझ नहीं आ रही है बात उस वीडियो को थोड़ा पीछे करके उस दोबारा समझने की कोशिश करो उसको। अब जैसे उपचयन, उपचयन को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में दो प्रक्रिया एक साथ होती है या एक साथ नहीं भी हो सकती है। जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि हो सकती है या हाइड्रोजन की कमी हो सकती है या दोनों एक साथ हो सकते हैं। जैसे कार्बन में हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीकरण। जैसे कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन जोड़ दिया हमने तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑक्सीकरण हुआ। CuO प्लस H2, तो CuO को हमने ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हमारा हो गया। इसके बाद है हमारा अपचयन, उल्टा है, ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा अपचयन है। वहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलना चाहिए। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है। और जैसे एक समीकरण है आपके सामने CuO प्लस H2, हीट करो उसको, गर्म करो तो CU प्लस H2O बनता है हमारा। तो यहाँ पे CuO में से कॉपर निकल गया, सॉरी CuO में से ऑक्सीजन निकल गया, तो जिससे ऑक्सीजन जाता है वो अपचयन हो गया। तो देखो ये टेस्ट द्वारा मैंने दिखाया अपचयन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो H2O बन गया, तो ये क्या हो गया, उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। इस तरीके से ऐसी अभिक्रिया जिनमें अपचयन और उपचयन एक साथ होते हैं दोनों, उसे हम कहते हैं रिडोक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का उपयोग। सबसे पहला अभिक्रिया है संक्षारण। जैसे कोई धातु होती है उस पर जंग लग जाता है, वो जंग किसकी कमी से लगता है, नमी के कारण लगता है, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर, ठीक है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी की ऊपरी काली परत पर, तांबे के ऊपरी परत पर चढ़ना संक्षारण आदि के उदाहरण है। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो संक्षारण में वही जो हमारा है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन आंद्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारण कहलाते हैं। उदाहरण लिखना चाहो आप इसको लिख सकते हो, लोहे के वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जमना आदि, ठीक है। अब इसका जो उपाय है, नंबर एक ये सदलेपन द्वारा, नंबर दो विद्युत लेपन द्वारा, नंबर तीन पेंट करके, नंबर चार ग्रीस या तेल लगाकर, आज से हम इसको संक्षारण से बचा सकते हैं। एक नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारा विकृत गंधिता, ये भी हमारा ऑक्सीकरण का ही हमारा उपचयन अभिक्रिया का ही हमारा एक उदाहरण है। जैसे वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री होती है, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, इसके कारण वो बेकार हो जाती है और खाने में भी उसका स्वाद नहीं रहता है, इसे कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है ना। तो विकृत गंधिता मतलब वसीय, जब वसा हो ये भोजन होता है वो वायु के संपर्क में आने पर क्या काम हो जाता है, उसमें खराब हो जाता है, तो इसके हम विकृत गंधिता बोलते हैं। अब इसके जो विकृत गंधिता जो है, इसके रोकने क्या उपाय है, नंबर एक प्रत्याक्षिकारक का उपयोग करके हम उस भोजन में प्रत्याक्षिकारक मिला देंगे, नंबर दो वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, कोई जो हम खाद्य सामग्री जो हम बना रहे हैं उसको वायुरोधी बर्तन में रख देंगे, नंबर तीन है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन के कारण होता है ऑक्सीजन हमारा, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भर देंगे तो वो रुक जाएगा हमारा। जैसे देखा हो ना चिप्स के बड़े बड़े पैक तो आते हैं, उनमें चिप्स होती है चार, लेकिन पूरा हवा का भरा रहता है वो, तो उस हवा में क्या होता है नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे वो चिप्स जो है लंबे टाइम तक खराब नहीं होते। अगर घर पे तुम चिप्स बनाओगे तो सुबह शाम तक खराब हो जाएंगे, दो दिन तीन दिन चार दिन में, लेकिन वो छह छह महीने तक दुकान पे रखे रहते हैं तो खराब नहीं होते। तो
तो उसका मेन कारण यही है कि उसमें नाइट्रोजन भरी होती है चिप्स के पैकेट में, उसको खराब होने से रोकती है, ठीक है ना। इसके द्वारा है शीतलन द्वारा, हम किसी उसको वसायुक्त पदार्थ को हम ठंडा कर देंगे, इससे वो जो वसा होगी वो जम जाएगी, तो वो ऑक्सीजन से कम क्रिया करेगी, तो इसके द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से विकृत गंधिता क्या होती है, इसे आप कैसे रोकोगे। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन ये आता है संक्षारण से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रियाओं को हम दो भागों में और बांट सकते हैं, एक ऊष्मक्षेपी एक ऊष्माशोषी। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जब कोई समीकरण कंप्लीट होती है तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकले, तो उसे कहेंगे हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मेथेन प्राकृतिक गैस जो हम घरों में यूज करते हैं, एलपीजी, उसको हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, प्लस ऊष्मा बनाती है। उस ऊष्मा से हम क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने के स्वरूप हमारी जो छाती होती है वो गर्म रहती है, तो वो भी जब यह अभिक्रिया होती है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में घुला होता है वो किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा जो हमारे सांस द्वारा ली गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा और प्लस ऊर्जा बनाएगा यानी कि ऊष्मा बनाएगा। वो इस ऊष्मा को हमारा शरीर कार्य करने के लिए उपयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा श्वसन का एक हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका, ये पेपर में आ चुका है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होती है जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, उसमें से निकलती नहीं है, उसमें देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे FeSO4, FeSO4 को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पे ये अभिक्रिया कंप्लीट होकर ना नहीं होगी, तो Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमें अगर कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने में बदलना है तो उसको हमें गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये भी पेपर में आ सकती है अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऊष्माक्षेपित अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद वो थी हमारी विकृत गंधिता था और संक्षारण था, ये चारों के चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, तो इन्हें अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।